इन युवाओं को देखकर और सभी जो ड्रोन से यहाँ देखकर हम यही कहेंगे कि हम नायाब हैं, हम कामयाब हैं, हम ही जिंदाबाद हैं, हम ही इंकलाब हैं। किसान ड्रोन के ज़रिए कृषि तकनीक में किस तरह से क्रांति आ सकती है, इस पर अब हम अगले सेशन में विचार करेंगे। तो इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी, हमारे यहाँ पैनल डिस्कशन अब होने जा रहा है, तो नाउ वी मूव ऑन टू द पैनल डिस्कशन एंड द थीम फॉर द सेशन इज़ ब्रिंगिंग एन एग्रीटेक रिवोल्यूशन विद द किसान ड्रोन्स। इसके लिए मैं चेयर करने के लिए आमंत्रित करूँगी श्रीमती शोभिता विश्वास, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, आपसे कि कृपया मंच पर पधारें। और सेशन के मॉडरेटर हैं श्री भक्तराज सिंह, जो कि नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हैं, जो कि ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से इंटरेक्ट भी किया है। आपसे भी निवेदन करूंगी कि मंच पर पधारें। और हमारे जो पैनलिस्ट्स हैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगी, प्रोफेसर आर एन साहू, प्रिंसिपल साइंटिस्ट IARI, श्री अभिषेक बर्मन, को फाउंडर एंड CEO जनरल एरोनॉटिक्स, श्री दीपक भारद्वाज, को फाउंडर एंड डायरेक्टर IoTech वर्ल्ड एविगेशन, श्री दिनेश शर्मा, ग्रोअर डिजिटल कनेक्ट लीड बेयर क्रॉप साइंस, एंड श्री आशीष जंगाले, हेड प्रिसिशन फार्मिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप सभी मंच पर पधारें। तो हमारे बीच में मॉडरेटर जो हैं वो हैं भक्तराज जी, जैसा कि मैंने बताया, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, और ये भी बताया मैंने कि इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से इंटरेक्ट किया। हम लोग तो यहाँ से देख रहे थे, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन हम लोग इमेजिन कर पा रहे थे आपके चेहरे को देख के कि आप कितने उत्साहित थे PM साहब को अपनी बात बताने के लिए, और जो PM साहब कितने जागरूक और उत्सुक थे आप सबकी बातें सुनने के लिए। वो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन बहुत कुछ उत्सुकता भी जाहिर करते हैं, और कुछ प्रेरणा भी, इनोवेशन भी कुछ कहा। जनरली उनसे जब बात करो तो वो ये कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इसमें ये आइडिया डालें, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ में? उन्होंने आखिरी में जरूर मेरे से ये पूछा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। हाँ? जब से आप ड्रोन चला रहे हैं, लगभग आपको 2 साल हो गए, आप करीब 250 से ऊपर कस्टमर्स को डेमोज कर चुके हैं, और आप बहुत सारे डेमोज फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे हैं, और जिससे अवेयर हो सके किसान। तो उस समय उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके जीवन का क्या है, चल रहा है। तो मैंने बोला कि सर, अब मेरे को वैसे इंजीनियर या किसान तो नहीं जानते, बट ड्रोन वाले भैया कह के ज़रूर बुलाते हैं। तो वो एक उनका वो अच्छा लगा उन्होंने बोला मेरे से, और बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन हुआ। उनने सारे इतने अच्छे क्वेश्चंस किए कि जब मैं सोच रहा था कि सर वहाँ से क्वेश्चंस वैसे आएंगे नहीं, उन्होंने सारे क्वेश्चंस इतने वैलिड किए कि ड्रोन्स को आप कैसे पहुंचा रहे हो, कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है, और किसानों के लिए ये कितना उपयोगी हो सकता है, या आप इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इसको प्रमोट किया जाए, ये सब उन्होंने मेरे से पूछा उस टाइम पे। तो आप ये सब उम्मीद कर रहे थे कि ये सब सवाल आने वाले हैं? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और ये सर ने पूछा, तैयारी करके आए थे अपनी? जी बिल्कुल, क्योंकि सर ने मेरे से जो क्वेश्चन किए वो सारे किसानों के क्वेश्चंस हैं। वो उनने कोई मतलब उनको कितनी गहन समझ है इस विषय के बारे में, है ना जी? तो आप अपने गांव में बड़े क्या सेलिब्रिटी बन गए होंगे, सेलिब्रिटी मतलब बहुत बड़े जाने माने, जिनसे प्रधानमंत्री जी ने बात किया। जी हाँ, एक 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं एज अ किसान यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। हाँ। आपने हमको सबको एज अ किसान ही जाना है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि किसानों का सही रिप्रेजेंटेशन करना, कि वो लोग ऐसा नहीं है कि आप उनको कम आगे की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं या कुछ भी है, क्योंकि मैं खुद 7 साल से किसानी कर रहा हूँ, तो उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस होता है। मैं भी उनसे अभी भी सीख रहा हूँ जो पुराने किसान हैं। तो मेरे को लगता है कि उनको रिप्रेजेंट करना, टेक्नोलॉजी को सही तरीके से पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपसे बातचीत की है, तो अब आपको लोग जानने लगे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जी बिल्कुल। कहाँ, जबलपुर से किया आपने एग्रीकल्चर में, कहाँ से किया? जी नहीं, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है जबलपुर से। हाँ। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। हाँ। और उसके पहले मैंने थोड़ा काम किया है सॉफ्टवेयर कंपनीज में, और फिर मैं मेरे पास फार्मिंग थी पहले से, तो मैंने फिर उस पर काम शुरू किया, तो करीब 7 साल हो गए मेरे को करते हुए। तो मैं टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हूँ इस मामले में, तो मैं जल्दी अडॉप्ट कर लिया। अब तो डबल स्ट्रॉन्ग हो गए बाहुबली। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अभी आपसे हम और भी कुछ सुनना चाहेंगे, हमारे बीच में जो चेयर कर रही हैं
श्रीमती शोभिता विश्वास जी, आप सभी का सबसे पहले तो जो मंच पर हमारे विराजमान है सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और अब मैं सौंपना चाहूँगी ये स्टेज चेयर श्रीमती शोभिता विश्वास को, और उसके बाद आप सभी शोभिता जी से मुखातिब होंगे और सभी जो यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए हैं उनसे मुखातिब होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आज के मंच के मॉडरेटर श्री भक्तराज सिंह जी, यहाँ पर डायस पे उपस्थित दूसरे गणमान्य व्यक्ति साइंटिस्ट्स डॉक्टर बर्मन, डॉक्टर साहू, मिस्टर दीपक भारद्वाज, डॉक्टर शर्मा और सभी दूसरे जो डायस पे उपस्थित जो माननीय व्यक्ति यहाँ पर ऑडियंस में उपस्थित सभी ऑगस्ट गैदरिंग, मैं सबसे पहले सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और DFI का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये इतना बड़ा एक कार्यक्रम रखा और उसमें हमें आमंत्रित किया। तो जैसे आप लोग सुबह से इस विषय पे चर्चा कर रहे होंगे, और ड्रोन का एप्लीकेशन जो है वो विभिन्न जो सेक्टर्स हैं उसमें है, लेकिन सबसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उपयोग मुझे जो जहाँ तक लगता है कि इसमें एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका उपयोग एक बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ये, इस ऐसे ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि श्री भक्तराज जी ने भी बोला है, ही इज़ ए फार्मर एंड इतना पोटेंशियल है, और इसमें यूथ को इन्वॉल्व करने का बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल है। यूथ वो भी जो गांव में रहता है और जिनको हम सशक्त भी बनाना चाहते हैं, जिनको हम रोज़गार भी देना चाहते हैं, और जो गांव के जो दूसरे जो भी दूसरे फार्मर्स हैं या दूसरे लोग हैं सबको वो एनकरेज कर सकते हैं कि फार्मिंग सेक्टर ये नहीं है कि यहाँ पर अब यहाँ से दूर हटा जाए। जो हम देखने को मिलता है कि धीरे धीरे आजकल की जो यूथ है वो फार्मिंग सेक्टर से दूर जा रहा है, क्योंकि उसमें वो सभी वाइट कॉलर जॉब को देखते हैं और उनको लगता है कि ये इतना रेम्यूनरेटिव नहीं है। तो ड्रोन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो एक एवेन्यूज इट इज़ क्रिएटिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, एंड इट इज़ गिविंग इमेंस अपॉर्चुनिटी टू द यूथ ऑफ इंडिया हु आर वेदर इन रूरल एरिया और इन अर्बन एरिया। इट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ पॉपुलेशन एंड दिस द एग्रीकल्चर विल बी बेनिफिटेड इमेंसली फ्राम दिस। दिस इज़ वॉट आई सी इन नियर फ्यूचर। एंड एज फार एज हमारा जो मिनिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड, तो यहाँ पर काफ़ी 2019 से हमने ड्रोन्स को लेकर थोड़ी गतिविधियाँ शुरू हो चुकी थी, जब हमने एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया था। क्योंकि टेक्निकल कमेटी का गठन इसलिए किया था कि हमें लगा कि पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन में ड्रोन का उपयोग बहुत पैमाने पे हो सकता है। वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम ह्यूमन इंटरफेस हटाना चाहते थे, ताकि फार्मर्स के हेल्थ पे जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते वक्त जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाए, और दूसरा एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ कदम बढ़ाना चाहते थे। तो टेक्निकल कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया था, गाइडलाइंस दी थी, बहुत डिटेल गाइडलाइंस थी। और इन द मीन टाइम्स मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी अपने जो पॉलिसीज, ड्रोन पॉलिसी, वो भी अपना काम कर रहे थे। हमारे एग्रीकल्चर में भी चल रहा था, वहाँ भी चल रहा था, और कुछ ऐसा संयोग आया कि उनकी पॉलिसीज़ और हमारी पॉलिसीज़ इतनी कंपैटिबल हो गई एक ही टाइम पे। हमने भी कुछ कुछ गतिविधियाँ ऐसी कर ली हमारी मिनिस्ट्री में,
और इन द मीन टाइम ड्रोन रूल्स भी आ गई, तो ये एक बड़ा विन विन सिचुएशन हो गया हमारे ड्रोन सेक्टर के लिए और ड्रोन का उपयोग एग्रीकल्चर में। तो ये गाइडलाइंस आ गई, तो हमने एक बहुत कंसल्टेशंस किया जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, और हमें फीडबैक मिला कि गाइडलाइंस को इसको सरल सीधे शब्दों में अगर हम उसको कन्वर्ट कर पाएँ तो ये एक अच्छा एक डॉक्यूमेंट तैयार हो सकता है, या एक फार्मर्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स ड्रोन से जुड़े हुए हैं उस SOP का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने फर्दर दो टेक्निकल कमिटीज़ का गठन किया कि जो इस गाइडलाइंस को सरल सीधे शब्दों में डूज एंड डोंट्स के रूप में कन्वर्ट कर दें, और ताकि मेरे टेक्निकल पर्सन से लेके एक आम किसान जो है वो भी उसका उपयोग कर पाए। उस हिसाब से हमने दो समितियों का गठन किया। एक समिति ने काम किया पेस्टिसाइड के ऊपर, दूसरे ने किया न्यूट्रिएंट्स के ऊपर कि न्यूट्रिएंट्स का एप्लीकेशन कैसे हो सकता है। जब मैं पेस्टिसाइड बोलती हूँ, ऐसा ज़रूरी ही नहीं है कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट केमिकल पेस्टिसाइड्स, इट डज़ इंक्लूड बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स ऑल द बोटैनिकल्स विच कैन बी यूज। देर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, बट वी स्टार्टेड विद दिस टू कि इसका SOPs बन जाए, तो बाकी धीरे धीरे इसका बड़ा डायरेक्ट सा एक हमें रोल नज़र आया कि अगर हम पेस्टिसाइड और न्यूट्रिएंट के लिए बनाएंगे तो ये इमीडिएटली फार्मर्स उसका उपयोग कर सकते हैं। तो SOPs बन गई, उसमें भी काफ़ी कंसल्टेशंस हुई, इसमें DFI भी थे, हमारे पेस्टिसाइड और न्यूट्रिएंट की जो इंडस्ट्री इन्वॉल्व हैं उन सबको साथ में ले गया, ड्रोन इंडस्ट्री को साथ में ले गया, साइंटिस्ट को साथ में ले गया, जो भी इस एरिया में काम करने वाले थे, जो भी हमारे पास आते थे, हमने सबके साथ कंसल्ट किया और हमारी SOPs हमने जारी कर दी। उसके बाद ड्रोन्स रूल आ गए, जो कि काफ़ी क्या बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग ड्रोन्स रूल आ गए। तब हमने सोचा और कैसे इसको हम आगे बढ़ाएं एग्रीकल्चर में, तो हमारे सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में हमने ड्रोन्स का भी समावेश एज वन ऑफ द मशीनरीज कर लिया। तो उससे ये एक हमें ये फ़ायदा हो गया कि जब हम स्कीमेटिक गाइडलाइंस में किसी मशीन का समावेश करते हैं तो हमारी जो सिस्टम है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके थ्रू हम फार्मर्स तक ड्रोन्स की सर्विसेज दे पाएंगे। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने स्कीमेटिक गाइडलाइंस में इसका ये डाल दिया। तो जहाँ तक ड्रोन्स के एप्लीकेशंस का एग्रीकल्चर में एप्लीकेशंस अगर हम देखें, न्यूट्रिएंट्स का एप्लीकेशन तो है ही। अब देखिए फॉर एग्जांपल नैनो फर्टिलाइज़र आ गया है, तो नैनो फर्टिलाइज़र का उपयोग तो बिल्कुल ड्रोन से होना चाहिए कि एकदम क्या बोले माइक्रो लेवल पे जो न्यूट्रिएंट्स का एप्लीकेशन हो सकता है वो हो सकता है। इसके अलावा क्रॉप हेल्थ है, सॉयल हेल्थ है, उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है, क्रॉप यील्ड है, उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है। अभी हमारे मेरे से पहले वाले वक्ता ने बोला है कि जर्मिनेशन, दो लीव्स निकले हुए हों तब भी उसका जर्मिनेशन परसेंटेज हम एसेस कर सकते हैं कि सीड की क्या क्वालिटी क्या है और किस तरह से जर्मिनेशन हो रहा है, और राइट टाइम पे जो है किसान जो है एक डिसीजन ले सकता है। और ड्रोन से क्योंकि वो एक क्या बोलना चाहिए एक बर्ड आई व्यू देता है एक फील्ड का। फार्मर जब देखता है एक साइड से देखता है अपने खेत को, उसे तो हरा भरा खेत नज़र आता है, लेकिन जब एक बर्ड आई व्यू से ड्रोन के थ्रू जब फील्ड को देखा जाता है तो ड्रोन एकदम से सब बारीकियों को बड़े अच्छे से पकड़ में ले आता है और किस पर्टिकुलर पैच में जर्मिनेशन नहीं हुआ है वो तुरंत बता सकता है, या किस पैच में देर इज़ सम हेल्थ इशूज़, कहीं पर कुछ अटैक अभी शुरू ही हुआ है बहुत अर्ली स्टेज में है वो पकड़ सकता है। ये हालांकि बात की बात है, लेकिन ये भी इस लेवल तक भी हम आएंगे। हमारे आज की चर्चा भी वही हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर साहू इज सिटिंग हेयर, ही विल टॉक मोर ऑन दोज पर्टिकुलर एरिया। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट
द फार्मर कैन मेक एन अर्ली डिसीजन कि जर्मिनेशन ठीक नहीं हुआ तो तुरंत उस कॉर्नर में जाके बहुत बड़ा जिसमें जाके ही कैन अगेन रीसो दोज सीड्स ताकि उसका यील्ड ठीक रहे. नहीं तो होता ही है कि जब पूरा पैच बड़ा हो जाता है, प्लांट्स बड़े हो जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि यहाँ तो ठीक नहीं हो रहा है. एंड वो दैट बिकम्स टू लेट टू फॉर द फार्मर्स टू टेक अ डिसीजन टू रीसो द प्लांट और टू अप्लाई द पेस्टिसाइड और गिव द न्यूट्रिएंट्स एट ए एप्रोप्रिएट लेवल. इसके अलावा सीड मैंने ब्रॉडकास्टिंग ऑफ जो बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं उनका ब्रॉडकास्टिंग ड्रोन के थ्रू हो सकता है. और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आज की स्थिति में शायद हमें पता भी नहीं है, जैसे ही हमारे यंगस्टर्स गांव में ड्रोन का उपयोग शुरू करेंगे, नए नए चीज़ें उनको पता चलेंगी, तो ड्रोन के और भी उपयोग पता चलने शुरू हो जाएंगे. ये इस स्थिति में हम पहुँचेंगे और उसको मैं फोर्सी करती हूँ आज यहाँ पर. दूसरा मैं पेस्टिसाइड्स की बात कर रही थी कि एक पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को ये दिक्कत आ रही थी कि हमारी जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं काफ़ी उसमें डाटा की ज़रूरत होती है और वो डाटा जब तक नहीं मिलता है तब तक चाहे वो नैपसैक से अनेबल्ड पेस्टिसाइड हो या ड्रोन अनेबल्ड पेस्टिसाइड हो उसको अलाउ नहीं किया जाता. ड्रोन एक नई टेक्नोलॉजी है तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है दे आर वेरी एप्रीहेंसिव कि ड्रोन से करेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा डाटा की ज़रूरत है और उसको उसको जनरेट करने में टाइम लग रहा था इंडस्ट्री को. तो इसलिए इसमें भी थोड़ा हमने रिलैक्सेशन दिया और हमने दो साल तक पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को बोल दिया देर आर 477 सच फॉर्मुलेशंस विच इंक्लूड्स बोटानिकल फॉर्मुलेशंस एंड बायो पेस्टिसाइड्स ऑल्सो जो इंडस्ट्री ड्रोन के थ्रू यूज़ कर सकती है. तो दीज आर द काइंड ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशंस पॉलिसी डिसीजंस वी टुक टाइम टू टाइम कि कैसे इसको पुश किया जाए सो बहुत ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में सारा काम हमारा हुआ और अभी भी चल रहा है. तो अब इशू ये आता है कि आगे इसको हम कैसे क्या और इशूज़ हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में टेक्नोलॉजी में जो हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि इसका प्रचार प्रसार और भी बढ़े. एक ये है कि जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसमें दो बड़े इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हमने प्रपोज़ की हुई हैं. एक तो है ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन. एक ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों को कैसे हम डेमोन्स्ट्रेट करें कि ड्रोन्स जो हैं वो किफ़ायती हैं. और ये जिम्मेवारी जो है मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे जो ड्रोन इंडस्ट्री में जब जो भी हैं जुड़े हुए ये उन लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि कैसे हम किसानों को डेमोन्स्ट्रेट करें कि ये किफ़ायती है. हेल्थ बेनिफिट तो है ही लेकिन जो बिल्कुल दिखता है वो जहाँ पर पैसे की बचत हो जहाँ पर इनपुट कॉस्ट कम हो वो ज़्यादा क्या कहते हैं पटता है किसानों को या किसी को भी. तो इसीलिए ये ड्रोन स्टार्टअप्स या ड्रोन इंडस्ट्री जुड़े हुए लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो डेमोन्स्ट्रेट करें उस किसानों को कि इसका ताकि ये बता पाएँ कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्प्रे है उससे ये कम है, इसकी कीमत या इसकी लागत कम है, ये डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत है. और इसमें इसीलिए हमने डेमोन्स्ट्रेशन का रखा हुआ है कंपोनेंट और हमने बोला है कि जितने भी ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं KVKs हैं या दूसरे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम पूरा 100% ग्रांट्स हम दे रहे हैं. और इसके लिए हमने अभी ग्रांट रिलीज़ भी कर दिया है, 52 करोड़ हमने रिलीज़ कर दिया है ICAR को कि वो इसका उपयोग जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए करें. तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू हो रहा है. इसके अलावा भी हम स्टेट्स को धीरे धीरे जिनकी भी थोड़ी सी कैपेसिटी बन रही है उनको हम लोग सपोर्ट करते चले जा रहे हैं ड्रोन्स के लिए. कुछ स्टेट्स हैं जिनकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है, कुछ ICAR इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छा काम कर रही हैं. तो ये ज़रूरी ये है कि साइंटिफिक जो फ्रेटर्निटी है वो फार्मर्स के साथ इंडस्ट्री के साथ बैठकर
चर्चा करें और इस टेक्नोलॉजी को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको प्रिसीशन लेवल तक लाया जाए, वो हमारी सबकी जिम्मेवारी है। ये एक मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा टू दिस फोरम। और दूसरा एक जो इशू हमारे सामने आता कि जब टेक्नोलॉजी तो है लेकिन उसके साथ साथ कोई भी मशीन होती है उसके साथ साथ वी ऑल्सो नीड स्किल्ड मैन पावर, कमेंसुरेटिंग मैन पावर, जिनको जो ट्रेंड हो इस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए। ये एक महत्वपूर्ण एरिया है जहाँ पर हमें काम करने की, आगे काम करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत है जो सर्टिफाइड ड्रोन्स हों, क्वालिटेटिवली अच्छे ड्रोन्स हों, सर्टिफाइड होंगे तभी हम क्वालिटी ऑफ ड्रोन्स को हम एक एसेस कर पाते हैं और हम इंश्योर कर पाते हैं कि फार्मर्स के पास जो भी ड्रोन जा रहे हैं तो वो अच्छे दर्जे के हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्रोन्स कोई ख़रीदे और बाद में अगर उससे लाभ ना मिले किसी भी पुर्जे में, किसी भी मशीनरी में, किसी भी एक टेक्नोलॉजी में, अगर इज़ नॉट मतलब बंद हो जाती है लेट्स से कुछ और तो वो दैट गेट्स ए ग्रेट सेटबैक। तो इसलिए इस स्टेज पे तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बिल्कुल साथ में मिलकर काम करें। जहाँ पर भी थोड़ी भी कहीं भी कोई भी कठिनाई आ रही है, इट इज़ द इशू फॉर एवरीबडी, वेदर इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, वेदर इट इज़ इशू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, DGCA, साइंटिफिक फ्रैटर्निटी, हमको सबको मिलके काम करना कि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव सबका एक ही है, टारगेट एक ही है कि इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना है। तो जहाँ पर भी जो भी छोटी छोटी दिक्कतें हैं उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। दूसरा हमने एक हमारी गाइडलाइंस में डाला है कस्टम हायरिंग सेंटर या हाईटेक सेंटर, जो हमारी ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स कुछ हैं उसमें हम ड्रोन्स को के लिए हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। इंडिविजुअल फार्मर्स को भी हमने अभी अलाउ कर दिया है सब्सिडी के लिए, अगर वो ट्रेंड है या ट्रेंड पायलट का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। CHCs भी ट्रेंड पायलट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सर्टिफाइड ड्रोन्स उनके पास हैं तो वो सर्विसेज दे सकते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर, क्योंकि हर फार्मर ड्रोन खरीदी नहीं कर सकता है तो वो कस्टम हायरिंग सेंटर से वो रेंट पे वो ड्रोन ले सकता है और उसकी सर्विसेज वो दे सकता है। तो वही मैं बार बार वही एक ही बात दोहराती हूँ कि इंडस्ट्री की जिम्मेवारी बहुत है कि वो कस्टम हायरिंग सेंटर हो या फार्मर्स हो, सबको ड्रोन्स की जो उपयोगिता के बारे में बताएं और उसको आगे लेके जाएं, और ये एक बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं हमेशा इस कहती हूँ कि आफ्टर सेल सर्विसेज, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी ख़रीदे इस ड्रोन्स को उसको तुरंत अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, कि तुरंत जाके उसको उसका रिजॉल्व करें। तो हम इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी हम आगे लेके जाएंगे। और हमारे यहाँ पर सभी साइंटिफिक लोग हैं, फार्मर हैं, इंडस्ट्री, सभी दिस पर्टिकुलर फोरम consists of all the stakeholders. So I would request all these dignitaries to give their views on this particular subject, ताकि इसको हम और आगे ले कर जा सकते हैं। और मैं फिर से धन्यवाद कहूँगी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का और DFI का for having invited me here. Thank you. आपने सभी को अभी जो फ्यूचर में जितने भी ड्रोन्स के लिए जितने भी नियम आने वाले हैं और सबके बारे में हमको बताया, और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप उपस्थित हैं और मुझे मौका दिया आपने वहाँ बैठने का, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। और सर मैं RN साहू सर से बोलूँगा कि सर 2 मिनट यहाँ पर आए, और वो प्रिसाइज फार्मिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्हें कौन नहीं जानता, तो सर यहाँ पर आकर आप 2 मिनट इसके बारे में बताएं, ड्रोन्स के बारे में। रेस्पेक्टेड मैम विश्वास एंड ऑल्सो रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट एंड आवर मोस्ट एजुकेटेड फार्मर भक्तराज सिंह जी, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू DFI, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशंस
and the whole organizer giving me this opportunity to be part of this event. And it's really very exciting for me to see the drone ecosystem in the country. I think this is, today morning you might have heard, fourth year in terms of in the world right now with respect to swarm drones and also drone technology. Before I start about the drone use for the agriculture, particularly the scientific point of view, I would like to say something. In 2014, I was at Luxembourg, deputed by Department of Science and Technology, me and one IIT professor, IIT Bombay professor, to see thermal hyperspectral remote sensing used in agriculture. And you can't believe that time they were flying that sensor on the drone, very small country, it's in the border of the France and Switzerland. And we are really so much frustrated, why not it's happening in India? We came back and we sat and discussed a lot somehow. So, and when we went to next conference in Germany, we could see many European countries, they are very, very small islands like a block or district of a state. They are flying the drones and they are presenting their technical papers with respect to drone for different applications. In 2016, we showcased drone technology for agriculture to Honorable Prime Minister when Krishi Unnati Mela was there in Pusha campus in IRI. So that was the time hardly anybody was working on drone. We worked with the Delhi Technological University, particularly the students. And most of the students are now settled in US. You can think of now 2016 to 2022. They have been in Michigan University or Colorado, or many places they are settled. So that time you worked with them and demonstrated to Honorable Prime Minister how drone technology can be used for agriculture. So not only, so this is what the beginning, and that time also we had a lot of restrictions and we have been, ma'am knows how to move a file to fly a drone, all those possible rules and regulations, particularly that to fly in Delhi and that too in front of our VIP like Honorable Prime Minister. Anyway, overnight everything happened, but we could showcase that technology, how we can use for agriculture. But since then, now it is 2022 and we are here. You can think of how quickly we have developed this technology and make a very common man technology like a mobile technology. So hats up to the Government of India, hats up to the DGCA, hats up to the all the potential partners and also Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and all the ministry pushing this technology to this level, and we are in fourth in the world. So this is what the quick joining we had. And another point what I would like to bring here is, it is not the academia or the researchers who can push the technology. It is the business, is the industry partner. It's the startup. And right now, this is what the ecosystem we have. Wonderful ecosystem we have. That's what you can see on the dais. We have so wonderful potential industry partner who have been using, who have been developing the technology, and it's right now in operation in the field. So in that ecosystem, I think I'm very optimistic. I think we can go ahead with many applications in agriculture. So coming back to the precision agriculture, smart agriculture, there is a network program right now running in the country under the aegis of Indian Council of Agriculture Research. We are looking at, starting from land to fork, all possible ways how we can use sensors, data analytics, all possible technologies to make it a smart farm. When you come back to the drone technology, there are three things comes into picture. I think the three aim, one is mapping, another is monitoring, third one is the management. I think coming back to the last part, the management part, I think and the panelists, there are very potential speakers. They are going to talk about how to manage the crop or the soil, or mostly the crop health with respect to the spray, with respect to applications. I'm coming back to the mapping and monitoring. That's what the challenge we have. And you know we have the space technology with us. I think one of we are the best in terms of the space technology what we have. Basically, I'm a remote sensing expert. So till now, we have been doing the ground remote sensing and satellite remote sensing. In between, we didn't have anything except. So now we have a drone remote sensing, and that too for crop monitoring or the soil monitoring. So the challenge remains is drone is just a platform. Like a satellite is a platform, what kind of sensor it has, that shows the potential.
So drone is just a platform where how you are integrating the sensors, what purpose you are integrating, that's what the capability lies with. So when you look at the agriculture, agriculture comprises of very complex ecosystem. It's trying to the soil, you look at the crop, look at the weather. So how best we can monitor them, how best we can manage them, that's where the challenge lies. So coming back to the monitoring or mapping, so simply RGB camera may be useful for some purpose. Again, monitoring with respect to the crop acreage, monitoring with respect to crop discrimination, monitoring with respect to varietal discrimination, these are the challenges what we have. Monitoring with respect to multiple stresses you have in a field, never a single stress comes. Maybe there is a pest or a disease or a nutrient stress or water stress. How to decompose that using a technology like drone and plug in, plug out any kind of sensor you want. That's what the beauty of a drone technology in with reference to the satellite or ground sensors, what you have. So that's what the, how best we can use this technology with respect to not only mapping and also monitoring and discern those particular problem what we have in the field. Coming back to the sensors, starting from RGB to multispectral to thermal to hyperspectral, now we are talking of ultraspectral. So how best we can use these technologies? When you talk of hyperspectral, it's a bit expensive, luxurious research. We can forget right now that. But again, we have the expertise. We have the strength with academia, researchers, and also startup companies who are working on the big data analytics. How you can use low-cost sensor like RGB, make it like a hyperspectral, use a computer vision technologies. You can see Dassault technology here in the exhibition hall itself. They have been working on different computer vision technologies. Same also, how we can use RGB for different purpose. How we can discriminate not only crops and also the like panicles or the cobs in the maize or any insect or pest. So this that kind of research gaps what we have and we need to work with. Coming back to the soil is really the biggest challenge what we have for the soil right now. What I am highlighting is these are the areas where we need to work and we have been working now. Maybe we need to look for collaborations. We need to sit on the same platform to work together. And that's what the complementarity stands for. So when you come back to the soil, you know, there's a very national level program is the soil health card. And you know how much money budget is allotted for that. Still, we are not able to meet the pace what is the requirement of the government of India. How best we can use this drone remote sensing for the soil health monitoring at the right time? Again, for that purpose, RGB is not going to work, even if multispectral is not going to work. For that purpose, you need to look for hyperspectral or also some of the low-flying satellites with the high resolutions using some of the new concept what we developed, pipeline called digital soil mapping, if at all we can do. How best we can complement to that? So this is what, again, the challenge what we have. Coming back to the crop health, as already I have told all those challenges what we have. There is a policy document which we published under Niti Aayog. We gave a rough estimate of 108 million hectares you have to cover by drone, and flying a drone per day, 10 kilometers square, you need 2,000 drones and 60 days, only one time coverage. So you can think of how much is the challenge for you. So this drone is not going to cover Pan India or Pan State. So it is the satellite which is going to cover. Drone is going to complement. Wherever you have anomalies, wherever you see some of the differences, there you can cover it. So you have two national big programs what we have. One is the soil health card program, as I said. How best we can address to that using drone technology. How best we can address also crop insurance. I think that's what the policy document has come up. And we have said how drone technology can be used for the crop insurance, doing the smart sampling and also reducing the crop cutting experiments. So this is what drone technology is going to be very useful. Again, coming back to the third part, of course, the management part, applications part, that has to come later. Maybe other panelists, they are going to talk up. Third is how this drone, like ma'am was saying, we are going to supply the drones and also give a demonstration. Of course, we are going to give demonstrations how to manage your field with respect to pesticide spray or fertilizer spray. Of course, on that we have been working. What should be the nozzle size? What should be the bioefficacy? What should be the droplet size? How uniform it is that? So all those parameters has to be considered. But the most important part remains is, before spraying, he needs to know what to spray. So he needs to know how the crop health is.
So the drones, the Kisan drone, which is with the sprayer, it has to go with a sensor. Maybe that low cost sensor, we need to develop our indigenously. Right now we are borrowing all those sensors from outside. Of course there are some startups, we are already working with the developing some multispectral sensors, but my urge would be to this August gathering is, if at all we can develop our indigenous sensor. We have sent the satellites to the Mars and moons, we can develop our sensor. That's what optimistic view I have. So this is what the technology partner we need to look for. So if at all we develop those sensors, we can put also with the sprayer drone, instead of going for the blanket spray, we can go for Bhari Bullet spraying. Then whatever the efficacy you have, you are spraying you are spending something around 400 rupees per acre, now we'll reduce to 200 rupees per that, because you are not spraying uniformly throughout the area. Again, there are a lot of environmental issue, and also pocket money will be saved. So this is what we need to work with, how best we can use the drones, the spraying drones for the Bhari Bullet spraying, Bhari Bullet technologies. So unless until we go with the vision technologies or AI ML, that's not going to be possible. And same drone should have a sensor and should have a sprayer, so that real time it can go for spraying. Again, that's the research area which we are working with. Like you have a robotics, so it is an air robot which can work for that purpose. Like we have a tractor or mobile platform or robot where you go in the field and it's able to capture the plant and see what the kind of pest or disease using the computer vision, and is able to go for the management. So this is what we need to do also on the drone. So these are the what challenges we are looking at. We need to complement some of those national level programs what we are working with. And being the academia, researchers, the research institutes, we have been into research mode. We can't be into business mode. So unless until we shake hand with the private partners, or the startups or the industry partner, we can't make it a business model. So this is what the ecosystem we need to build up together to private, public-private partnership. Whatever the areas we are trying to address in that four wall, how it can go to the farming community. With respect to agriculture, I'm talking only. So this is what we need to look for. We need to sit together in the same platform. We need to define some of those gray areas. And drone flying is not that difficult. Getting an image is not that difficult. How best we can analyze to give a solution to the farmer what he needs, is the challenge. And for that purpose, we need to be together. And that's what my urge would be, how we can be together in the same platform, identifying some of those gray areas, and try to address that for the real-time applications. Coming back to the challenges again, this is what I was talking of agriculture with respect to field crops. Recently, we are doing a drone flying in the Ganges to see the water quality monitoring with respect to precision aquaculture. So this is again another program where there are three ICER institutes involved for precision aquaculture. So we are in the Ganges, in the Calcutta, flying the drones to get the quality monitoring of the water quality monitoring. The challenge remains is, I think many the technology technical people who are here, no software is able to do the stitching of the drone image if at all you are in a water body without having any terrestrial land there inside or any feature you have. So that's what the gray area right now, we are working on that, how to stitch them together, coming out the features so that we can see the water quality monitoring. Again, sampling, water sampling. To go, like you have a Ganga mission, show how to do the water monitoring so that quality monitoring so that we can go for the kind of the management for that purpose. So we also try to develop remote controlled water sampling from the Ganges, and also you can do from any water body which is remotely, you can't access that physically. So these are some of those approaches, technologies, which we are trying to do. And coming back to the smart farming, efficient farming, drone is just a watchdog. It can look at your crop, like you have a tether drone which can stay there for 6 hours. You can look at any kind of a aerosol dynamics in a day and see how the ecosystem is working. For that purpose, you can use for that research purpose. But flying a drone in the field, getting it monitored, then finally the same drone can go and manage it and come back. And what is the possible solution is? So giving a drone on the kind of a loan basis or the kind of a rebate or whatever the policy is taken is not only going to be a solution.
we need to develop a policy also, custom hiring. A educated guy, a graduated guy can take up a drone, can buy a drone with all training taken by authorized agency. He can do his own business. Same time also, he's going to meet the requirement of that village or block. So that's what FPOs are going to work with. That's how the village or panchayat is going to work with. That's what the livelihood of both the farming community and also the technical guy or the graduate guy that can get. That's what the employment opportunity is going to be. So I can say at the end, drone technology is going to be a disruptive technology. It's not going to be a rich man's technology. It's going to be anybody can use for that purpose. Now, no more tractor is going to be used. I think drone is going to be a tractor for all of us. And I'm very optimistic with this space, if you go, I think we are going to address some of those challenging areas what we have been facing right now. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you very much, sir. Sir ने जैसा कि बताया कि sensors, in future sensors पे काम होने वाला है और हमको बहुत पहले पता चल जाएगा कि अब हमें क्या करना है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि सर इसको प्रमोट कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमारे बीच में वो चीज़ आ जाएगी, क्योंकि अभी अभी हम सिर्फ थर्ड पार्ट कर रहे हैं जो सर ने बताया जैसा कि. तो अभी हमारे साथ हैं श्री अभिषेक वर्मन जी, को फाउंडर एंड सीईओ जर्नल एरोनॉटिक्स. मैं उनसे चाहूँगा कि आप दो शब्द बोलें ड्रोन्स के लिए. Respected Soumitra ma'am and all the dignitaries on the dais. First of all, I would like to thank DFI for giving this platform to come and share our views with all of you. So main koshish karta hu hindi mein bolne ki, agar kuch problem hoga to main english mein aa jaunga. So abhi tak jahan jo bhi madam ne kaha aur साहू सर ने कहा, आई थिंक वेरी लिटिल लेफ्ट फॉर मी टू टेल यू इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन. लेकिन आई थॉट परहैप्स आई कुड ऐड सम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैसे इस टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बनाया जाए, ताकि हमारी इवन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो इसको यूटिलाइज कर सकें और इसका फ़ायदा ले सके. क्योंकि जहाँ तक जब किसी भी हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये कोई भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, अगर उसको हमको मार्केट में लेके जाना है तो मेरे ख्याल से दो की फैक्टर्स हैं. एक है उसका द वैल्यू क्रिएशन, क्या वैल्यू वो क्रिएट कर रहा है, और दूसरा है कि वेदर देयर इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई. सो यहाँ जब हम वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं, आज मेरे ख्याल से बियॉन्ड डाउट इट इज़ एस्टैब्लिश्ड कि ड्रोन कैन डेफिनेटली हेल्प फार्मर इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग बीट इम्प्रूविंग बायो एफिकेसी देयर बाई बेसिकली एफिशेंसी ऑफ एप्लीकेशन हम ड्रोन से इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपकी क्या बोलते हैं यील्ड अच्छी हो. आप उसमें कोई भी जो आप पेस्टिसाइड अगर कोई भी एग्रोकेमिकल जब यूज़ करते हैं उसकी रेसिड्यू उसमें कम से कम रहे, और ये बहुत ही कम समय में आपके लिए वो काम कंप्लीट हो जाए. तो वैल्यू पर से आई थिंक देयर इज़ नो डाउट कि ड्रोन इज़ नीडेड. नाउ इसको किस तरह से अफोर्डेबल बनाया जाए, अगर आप देखें ड्रोन एक इक्विपमेंट है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे हम उसको फार्मर तक ले जाते हैं, तो उसके मेरे ख्याल से चार की एलिमेंट हैं. एक है ऑफकोर्स द ड्रोन एज हार्डवेयर, जिसमें बहुत कुछ इनोवेशन किया जा सकता है टू bring down the cost of the system, bring down the cost of operation. दूसरी चीज़ जो है सॉफ्टवेयर, और आज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टुगेदर मिलके आप उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम आ जाए. तीसरा एलिमेंट है वो इतना ईजी होना चाहिए फ्लाई करने के लिए कि आपको इंजीनियर्स की ज़रूरत ना पड़े ड्रोन फ्लाई करने के लिए. एक टेंथ पास जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है DGCA का, ही और सी शुड बी एबल टू फ्लाई द सिस्टम. और चौथा मेरे ख्याल से वो बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है विच विल टेक दिस फॉरवर्ड, इज़ द डेटा.
किस तरह से, क्योंकि जब भी ड्रोन फ्लाई करता है हम लोग काफ़ी डेटा जनरेट करते हैं। अगर वो हम एक सेंसर के साथ फ्लाई कर रहे हैं हम उसमें बहुत कुछ डेटा जनरेट कर रहे हैं, अगर हम फ्लाई कर रहे हैं इवन फॉर स्प्रे पर्पस, फॉर गेटिंग इमेजेस, सारे केसेस में हम डेटा काफ़ी जनरेट कर रहे हैं। तो किस तरह से ये डेटा को हम कंपाइल कर सके, उसका एक रिपोजिटरी बना सके जिसको यूटिलाइज करके ये टोटल सॉल्यूशन की एफिशिएंसी को हम बेटर कर सकें, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो कॉस्ट और ये सब सारी चीज़ें हैं कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और कॉस्ट टू द फार्मर जिसको हम कम से कम कर पाए। मेरे ख्याल से इवन प्रसिशन एग्रीकल्चर जो डॉक्टर साहू ने अभी बताया, जैसे आज हम लोग जब हम स्प्रे की बात करते हैं द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन माइंड ब्लैंकेट स्प्रेइंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो आप मैनुअल जिस तरीके से स्प्रे करते हैं उसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं विद ड्रोन, लेकिन हम पूरे फील्ड को स्प्रे कर रहे हैं विद सेम क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रेसिशन जो है उसमें हम लोग जो करते हैं आज कि हम लोग एक उसका हीट मैप जनरेट करते हैं पूरे फील्ड का बेस्ड ऑन डिफरेंट स्ट्रेस लेवल, क्लोरोफिल की स्ट्रेस हो सकती है, वाटर की स्ट्रेस हो सकती है, और उसको कोरिलेट फिर करते हैं कि किस पेस्ट या डिजीज़ की वजह से हो रहा है, और उस हीट मैप को यूज़ करके हम स्प्रे करते हैं उसे के अनुसार। उससे क्या होता है कि आपको ब्लैंकेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सिस्टम में हम लोग VRT सिस्टम यूज़ करते हैं जो साहू सर बता रहे थे, जिससे कि आपको जहाँ जितनी मात्रा में ज़रूरत है आप उतना ही स्प्रे करें। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो वो वहाँ हम बात करते हैं कि हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन सा पेस्ट है, कौन सा डिजीज़ है। तो वो जब आप करना चाहते हैं कि आपने क्लियरली आइडेंटिफाई किया कि ये पेस्ट और डिजीज़ है और आप सिर्फ और उसके अनुसार आप जब स्प्रे करते हैं, तो ये यहाँ भी डेटा का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम कंप्यूटर को सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है इन लेमैन लैंग्वेज। जब आप वो करते हैं तो वो कंप्यूटर को आप सिखाते हैं बाई गिविंग इट मोर एंड मोर डेटा, और वहाँ अगेन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ डेटा अवेलेबिलिटी। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे CPCRI ICAR के साथ फॉर कोकोनट प्लांटेशन, जस्ट टू जनरेट डेटा टू गेट रिजनेबली गुड एक्यूरेसी अराउंड 92% ऑफ डिटेक्शन, हम लोगों को 3 साल लगा क्योंकि वो डेटा जो है वो अवेलेबल है नहीं। मेरी एक रिकमेंडेशन होगी मैडम को और साहू सर, क्योंकि एकेडमिया विल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट विल प्ले ए मेजर रोल, if we can think of having a centralized data repository which industry can utilize to sharpen the algorithms. जैसे आज AI पर से शायद हम 90, मेरे पास एक algorithm है जिससे हम कुछ हमको accuracy मिलती है, mathematically भी ये algorithm काफ़ी enhancement हो रहा है, but उसका जो return on investment है वो बहुत कम है मैम vis-a-vis data. डेटा अगर मेरे पास सही है, अगर हमको सही डेटा मिल रहा है जिससे हमको पता चल सके कि कौन से डिजीज़ या पेस्ट का सिग्नेचर क्या होता है, एंड इफ़ आई यूज़ दैट डेटा टू ट्रेन माय मॉडल द एक्यूरेसी आई कैन गेट दैट विल बी मच मोर यूजफुल इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट लेवल ऑफ एग्रीकल्चर। सो आई वुड से this data repository somehow we lack in India. We don't have that. If I have to search for data, nowhere it is available, you know. So some policy in that regard where we can work together and make a difference, so that would be my one of the recommendation. The second one would be with respect to, you know, the jaise maine kaha ki aapko drone itna easy banana hai taki 10th pass बच्चे भी इसे उड़ा सकें, और उसके लिए अगर हम लोग रूरल, बिकॉज ड्रोन हैज़ बिकम ए गुड एम्प्लॉयमेंट जनरेटर एंड ऑल्सो यू नो व्हाट यू कॉल एंटरप्रेन्योरशिप जनरेटर इन रूरल इंडिया, एंड दैट हैज़ अ बिग इम्पैक्ट इन इकोनॉमी। सो अगर हम थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स से अगर हम इन यूथ को ट्रेन कर सकें, जिससे अभी ये जैसे सुबह मिनिस्टर साहब कर रहे थे ये सनराइज इंडस्ट्री है, यहाँ देर आर मेनी टेक्नोलॉजिकल थिंग्स विच नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट एंड वेयर द कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन टूडे नीड्स टू बी मिनिमाइज्ड। सो देयर इफ़ वी हैव अ स्कीम वेयर द गवर्नमेंट कैन एनेबल दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग, आई थिंक दैट विल हेल्प इंडस्ट्री टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन टू
farmer. So I think these are the elements I would, thanks to all the government initiative, I don't think there is a demand issue today. It is more like, I would say it's a huge tailwind when we consider demand. Demand ki koi kami nahi hai. Supply side, yes. From industry side, we need to do our bit. But there are challenges with respect to, we have announced now certification policy. Although it is a right move to ensure safety of flight and the quality of system what we produce in India, and it has to be globally competitive. But having said this, the fact of the matter is that last one or one plus year, we could not certify even a single system. So perhaps, kyunki generally aeronautics ki jab aap baat karte hain, wahan there is a concept of conditional exemption or conditional clearance. Usme aap, you never compromise safety of flight. You never compromise anything which could cause harm to the end customer. Lekin aap usme karte kya hai ki flight safety aap ensure karte hain within a restricted envelope which is based on aapka jo bhi conditional issues hain system mein. So this concept is very common in aeronautical industry, and I think we should also look at it to ensure that, industry is accelerated to achieve the targets what government has set for us. So thank you very much. If you have any question, I love to answer. Thank you. Thank you very much, sir. सर ने जैसा कि बताया कि अभी जो कि ड्रोन्स जितना भी लर्निंग प्रोसेस उसका सरल कर सकें, और जो कि बहुत कुछ गवर्नमेंट ने कर दिया है, क्योंकि जब हम ड्रोन्स के लिए देख रहे थे तब हमारे पास ये नहीं था कि हमने इतने लोगों को ड्रोन्स चलाते हुए देखा, लेकिन किसी के पास भी ऐसा सर्टिफाइड ड्रोन्स मिलना मुश्किल हो रहा था. और जैसा कि हम जानते हैं कि ये एविएशन के अंडर में आता है, तो हम बड़े ड्रोन्स उड़ा तो सकते नहीं हैं. जैसे जैसे मेरे को मुश्किल से एक कंपनी मिली, तो वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया. और अब जैसे कि रूल्स काफ़ी सरल हो गए, ग्रीन जोन हो चुके हैं, अब हमको काफ़ी उससे फ़ायदा मिल रहा है, और मैं जितना हो सकता है उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ. और अभी हमारे यहाँ ड्रोन स्कूल्स का भी सिंधिया जी ने बोला है कि ड्रोन्स स्कूल बहुत जल्दी ओपन हो जाएंगे, जिसमें 10th बेस पे आपको ड्रोन्स के लिए पायलट के लिए आपको सर्टिफाइड कर दिया जाएगा. तो ये एक अच्छा सरकार एक इनिशिएटिव था, उस टाइम पे उन्होंने अनाउंस किया हुआ है. और अभी मैं श्री दीपक भारद्वाज जी को फाउंडर एंड डायरेक्टर आयोटेक एविएशन के हैं, जो ड्रोन्स मेकर हैं, और मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो 2 मिनट कुछ बोलें ड्रोन्स पर. गुड आफ्टरनून. थैंक यू राज. सामने सुनने वाले कम हैं, तो मैं कम शब्दों में बताऊंगा कि हम लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं. वैसे ज़्यादातर जो नॉलेज की बात है वो मेरे से पहले वाले 3 लोगों ने सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं, तो नॉलेज के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. मैं बताता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं. तो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सेकेंड जनरेशन हूँ इंजीनियर की अपनी फैमिली में. मुझसे पहले वाले सारे किसान ही थे, और किसानों की क्या प्रॉब्लम होती है, वो कैसे सोचते हैं, उन्हें क्या चाहिए, मोरलेस मैं सब कुछ समझता हूँ. कमिंग फ्रॉम हरियाणा, आप जानते होंगे हरियाणा एक प्योर एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, तो उन सब चीज़ों को जानते हुए हम लोगों ने जो अपनी कंपनी में काम किया है वो मोरलेस उसी फाउंडेशन में खड़ा है. किसान क्या चाहता है, बेसिकली उसको सब सोल्यूशन चाहिए, मगर वो सोल्यूशन लेता कौन सा है, जो अफोर्डेबल हो, जो उसकी कॉस्ट के उसके पर्स के अंदर फिट बैठे. तो हमने क्या किया, हमने जो ड्रोन बनाए उसके अंदर कॉस्टिंग में हमने काम किया है. हमने पर एकर कॉस्ट निकाली जो अर्लियर मोर देन 200 रुपीस थी पर एकर, तो उसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करके निकाला कि इसमें किस किस फैक्टर पे काम करें जिससे कि कॉस्ट को कम किया जाए. हमने बैटरीज पे काम किया, हमने ट्रांसपोर्टेशन पे काम किया, हमने ड्रोन की कॉस्ट पे काम किया, हमने उसके यील्ड पे काम किया, हमने बायो एफिकेसी पे काम किया, नोजल्स ड्रॉपलेट साइज जितना ऑप्टिमाइज कर सकते थे, उसमें हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं. उन सब को करने के बाद
आज जो हमने नया सिस्टम डेवलप किया है, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि इंक्लूडिंग ड्रोन की कॉस्ट, इंक्लूडिंग जितने भी आपने देखे होंगे हमने चीज़ें दी हैं, उन सब की कॉस्ट फार्मर को पर एकड़ कॉस्ट जो आएगी स्प्रे करने की वो 100 रुपये से कम होगी। आज अगर वो किसी भी लेबर को बुला के स्प्रे करता तो 300 रुपये के आसपास, 240 से 300 रुपये के बीच में आती है, जिसको हमने 100 रुपये से नीचे कर दिया है। इसके लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आज प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है बाइक, हम ड्रोन को बाइक पे ले आए हैं। अभी वो सपोज़ करिए 100 सेंटीमीटर का साइज़ है, उसको हम फर्दर अभी 60-65 सेंटीमीटर के साइज़ में आपको नया मॉडल ला के देंगे। इसके साथ साथ हम लोग कर क्या रहे हैं कि फार्मर को, फार्मर ने किसान ड्रोन तो ले लिया, अब ड्रोन का वो करेगा, उसके लिए जितनी भी इस देश के अंदर अच्छी केमिकल बनाने वाली कंपनी है या फिर इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है, हम सबके साथ डायलॉग में है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम डिमांड एग्रीगेटर बने और जितने भी ड्रोन के ऑपरेटर्स हैं उनके लिए हम लोग बिजनेस जनरेट करें, ताकि अपनी एप्लीकेशन करने के बाद फार्मर का ड्रोन खाली ना रहे, उससे भी वो रिवेन्यू जनरेट करे। अब इसे हो क्या रहा है कि जैसे कि आप जानते ही हैं फार्मर्स के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर बाहर काम करने के लिए निकल जाते हैं, तो राज एक आपके सामने सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, जो कि एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आज वो खेती में है एंड ही इज़ डूइंग वेल। सिमिलरली और भी बहुत सारे केसेस हैं जो अपने खेत में रह के, अपने गाँव में रह के आज अच्छी कमाई कर रहे हैं और कुछ एक तो करोड़ों में कर रहे हैं। हमारा इंटेंट यही है कि हम लोग एक कंपनी ना होके, हम लोग बेसिकली एक मिशन है, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ। मिशन क्या है कि हमें ड्रोन बनाना है और उसको हर फार्मर के हाथ में पहुँचाना है, हर फार्मर को ड्रोन की सर्विसेज मिलनी चाहिए। अब छोटे फार्मर आ जाते हैं भाई, जिसके पास 2 एकड़ या 3 एकड़ ज़मीन है वो खरीदे कैसे, सर्विस उसको भी चाहिए। उसके लिए आज हमने एग्रीनेट नाम की एक ऐप लॉन्च करी है, जिसमें हमारे सारे सर्विस प्रोवाइडर्स उसके अंदर लिस्टेड होंगे, और जैसे आप NCR में ओला उबर कैब बुलाते हैं वैसे ही वो ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर्स को बुलाएगा, स्प्रे सर्विसेज लेगा एक बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे, उसको बेस्ट स्प्रे एप्लीकेशन अपने फार्म में मिलेगी। ड्रोन से फ़ायदे क्या होते हैं वो हम सबको मालूम है, एकदम यूनिफॉर्म स्प्रे है, आपकी रेजिड्यू कंट्रोल है, आपकी कॉस्ट कंट्रोल है, सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, जो स्प्रे कर रहा है उसकी सेफ्टी है, क्रॉप की सेफ्टी है, सॉइल की सेफ्टी है, उसके बाद उसके अंदर हम रेजिड्यू को आपको विद इन द स्पेसिफिकेशन लाके देते हैं, तो यानी कि जो फर्दर फाइनली कंज्यूमर है उसकी भी सेफ्टी है, जितने भी लोग उस क्रॉप से जुड़े हुए हैं उन सब की सेफ्टी का ड्रोन ख्याल रखता है, ड्रोन उसको फुलफिल करके देता है। इन सब चीज़ों के साथ हम लोग आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन कंपनी अभी 12 स्टेट्स के अंदर एक्टिव है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन स्टेट्स के अंदर जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनमें से किसी का ड्रोन खाली ना रहे, किसी का भी ड्रोन रुके नहीं, हर बंदा उससे रेवेन्यू जनरेट करे और मैक्सिमम किसान तक उसकी सर्विसेज पहुँचे। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आपने ड्रोन्स के बारे में बताया और मैन्युफैक्चरिंग आपने शुरू किया इसको और हम सभी तक ड्रोन्स को पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ श्री दिनेश शर्मा जी, ग्रोवर डिजिटल कनेक्ट लीड बायर क्रॉप साइंस भी उपस्थित हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो दो शब्द कुछ बोले। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मैडम एंड थैंक यू वेरी मच DFI फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हिंदी में आ जाते हैं कोशिश करते हैं फिर से। जितना धन्यवाद किया जाए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का उतना कम है। मतलब जैसा कि मैडम बता रही थी, बहुत लंबा सफ़र तय किया है, शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, 4-5 साल पहले, बट पिछले 1-2 साल में जिस गति से ये परिवर्तन हुए हैं और जिस सिम्फनी में दोनों मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं, उसने पूरा का पूरा स्पेस ड्रोन के लिए पूरा पूरा बाज़ार खोल दिया है ड्रोन के लिए। हम सब सुन रहे हैं पिछले 1-2 साल से ये टॉपिक बिल्कुल हॉट हो गया है, हर कोई बात कर रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। उसकी वजह है, वजह ये है
कि समस्याएं हैं किसान को, फंडामेंटल समस्याएं हैं, लेबर की समस्या है, सेफ्टी की समस्या है, पानी की समस्या है, एफिशिएंसी की समस्या है, ये सारी समस्याएं ये टेक्नोलॉजी एड्रेस करती है और इतना एड्रेस करती है कि इस टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाने में चाहे जितनी समस्या आ जाए वो सब एड्रेस होंगी धीरे धीरे। डॉक्टर साहू, मेरे माननीय दूसरे साइंटिस्ट, सारे स्टार्टअप्स इस पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं ताकि इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अच्छा बनाया जा सके और जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचाया भी जा सके। बहुत कुछ ऑलरेडी बोला जा चुका है कि फ़ायदे क्या क्या हैं ड्रोन्स के। डॉक्टर साहू ने सेंसर्स की बात की, एप्लीकेशंस की बात की मैडम ने, कि स्प्रे किया जा सकता है, बहुत सारे हैं, मतलब सीड प्रोडक्शन में काम आता है, बीज गिराने के भी काम में आ सकता है, स्प्रे के काम में डेफिनेटली आता ही है, फॉरेस्ट्री में काम आ सकता है, और भी बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे जैसे ड्रोन किसानों के पास में खेतों के बीच में जाएगा इसके बहुत सारे यूज़ केसेस भी चले जाएंगे। कंप्लीट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल का तब होगा जब इमेजिंग और एप्लीकेशन दोनों साथ में आ जाएगा, जो डॉक्टर साहू ने भी बताया सारा का सारा। अब मैं आता हूँ जिम्मेदारी एग्रोकेमिकल कंपनीज़ की भी, जो डॉक्टर शौमिता बिश्वास मैडम भी बोल रही थी कि सब कुछ खोल दिया है, जो मांगा, अप्रूवल चाहिए थे, गाइडलाइन सिविल एविएशन की तरफ से वो आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से अप्रूवल आ गया, लेबल अप्रूवल्स भी मिल गए हैं, एडॉक अप्रूवल भी दे दिया है पूरी तरफ से, अब करना क्या है। तो मैं बायर क्रॉप साइंस की तरफ से, और मैं ये प्रिविलेज भी ले सकता हूँ सभी एग्रोकेमिकल कंपनीज की तरफ से बोलने का भी, कि सब कमिटेड हैं टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को लेके। हम एक साल में करीब 2 करोड़ किसानों तक पहुँचते हैं और करीब 30,000 से 40,000 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारा जिसके काम करते हैं। अभी आप समझिए, हमारा पूरा उद्देश्य है कि इस टेक्नोलॉजी के जितने भी बेनिफिट हैं ये हमारे किसान तक पहुंचने चाहिए। प्रिडोमिनेंटली आज हम क्रॉप और पेस्ट के बारे में एडवाइजरी देते हैं, विद टेक्नोलॉजी और सेंसर ये एडवाइजरी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हम जो एग्रोकेमिकल्स हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स हैं, वो भी सप्लाई करते हैं। सप्लाई दे तो दिया हमने क्रॉप प्रोटेक्शन, पर हमको पता है किसान अभी भी जा रहा है, ढूंढ रहा है, लेबर खोज रहा है अपने गांव में, या उसको कुछ तो समस्या है जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रहा है, या लेबर मिल भी गई तो वो स्किल्ड नहीं है, ढंग से एप्लीकेशन नहीं किया और किसान को नुकसान हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन हुआ नहीं है। तो ये सारी तकलीफ दूर करने के लिए हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं कि हम हमारे किसानों को हमारी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में कैसे इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचाया जा सके। अभी उसके 2-3 काम हैं, फार्मर लेवल पे तो काम हो रहा है, बट टेक्नोलॉजी का एक्सेस कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए मैडम ने बोला कि SMM में ड्रोन का इंक्लूजन हो गया है। तो मैं बताना चाहूँगा, बायर क्रॉप साइंस का एक इनिशिएटिव है बेटर लाइफ फार्मिंग, जो किसान गांव में है उन्हीं का एंटरप्रेन्योरशिप है, उन्हीं की शॉप है, वो एक सिंगल अम्ब्रेला में सारे सॉल्यूशंस वहां पे मिलते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हमारा उद्देश्य है कि उन सारी दुकानों पे, उन सारे BLF सेंटर्स पे ड्रोन सर्विसेज भी अवेलेबल होनी चाहिए, और उसके लिए SMM का प्रोविज़न भी किया गया है। अब आप इमेजिन कीजिए 1300-1100 BLF एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास में ड्रोन अवेलेबल हैं, करीब 3000 सहभागीज हैं जो कंपनी के रोल पे नहीं है बट काम करते हैं किसानों के साथ में ही, और दिन रात उनसे क्रॉप के बारे में, उनकी किसानों की समस्याओं के बारे में बात करते हैं और देखते हैं उनकी फसल को बढ़ते हुए। अगर उनके हाथ में ये मशीन पहुंच गई तो आप इमेजिन कीजिए कितने स्केल पे हम ये काम कर पाएंगे। FPO के साथ में बायर क्रॉप साइंस बहुत क्लोजली काम कर रही है, बहुत क्लोजली, इतना कि कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करते हैं हम उनके साथ में, और सिर्फ हम नहीं बाकी दूसरी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो क्यूमुलेटिव वे में FPOs का कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रही है। अगर ये फैसिलिटेशन उनके लिए किया जाए तो कितना बड़ा टर्न अराउंड हम कर सकते हैं फार्म मैकेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब डॉक्टर साहू ट्रैक्टर की बात कर रहे थे, हाँ ड्रोन को दूसरा ट्रैक्टर बनाया जा सकता है, सर इतना पोटेंशियल इस टेक्नोलॉजी में, और हम उसी तरफ काम भी कर रहे हैं। अब ये होगा कैसे, मतलब मैडम मैं एक बात फिर बोलना चाहूँगा, मैडम ने बोला ले तो लिया किसी एंटरप्रेन्योर ने, बट उसको सेटबैक नहीं लगना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर रहे हो कि उसकी उसका लाभ उसको ये बिल्कुल एंटरप्राइजिंग लगे ड्रोन, कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ये वाकई एक आमदनी का जरिया बन सकता है। एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है, अभी यही कॉन्फिडेंस अगर सबको देना है तो
तो अगर हम ये सारी समस्याएं सुलझाने लगे, हम ये बता पाएँ कि कहाँ से मशीन मिलेगी, कहाँ से ट्रेनिंग मिलेगी, कहाँ से पायलट का सर्टिफिकेशन होगा, कौन ट्रेनिंग देगा, पैसा चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा, अगर बड़े स्केल पे करना है और फंडिंग लेनी है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसका प्रोसेस अगर हम फैसिलिटेट करवा पाएँ, साथ में एक प्लेटफॉर्म भी दे पाएँ जो बिजनेस से भी लिंक कर दे इसको पूरा, तो कितना बड़ा बूस्ट होगा ये सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो इस टेक्नोलॉजी को ले पाएंगे। बायर क्रॉप साइंस उसी दिशा में काम कर रही है, ये पूरा कंप्लीट कैप्सूल बनाने के लिए कि जब हम किसी एंटरप्रेन्योर से या किसी किसान से या किसी एग्री ग्रेजुएट से बात करें आगे जाके, तो ये बता पाएँ कि ये तुम्हारी कमाई की अपॉर्चुनिटी है जो कर सकते हो, और ये सपोर्ट है तुम्हारे लिए अवेलेबल, और उसके लिए अकेले नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा देश है, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, सबको मिलके करना पड़ेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की बात की, कंपनी टू कंपनी पार्टनरशिप्स की बात की, सारे प्लेयर्स को एक जगह पे आना पड़ेगा, और हमारा एफर्ट है उसी दिशा में। सो मैम, वी आर कमिटेड टू टेक दिस टेक्नोलॉजी टू नेक्स्ट लेवल फॉर श्योर, और हम बहुत जल्दी देखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है जब हर दूसरे खेत में ड्रोन उड़ता हुआ नज़र आएगा बहुत जल्दी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने काफ़ी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी, और आगे चल के आप लोग जिस, क्योंकि ये बायर जो है हम लोग भी बहुत यूज़ करते हैं ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर सर एश्योर कर रहे हैं और इस तरीके से कुछ होने वाला है, तो एंटरप्रेन्योर बहुत जल्दी जनरेट होंगे, सभी गांव में होंगे। क्योंकि जब मैं ड्रोन चलाता हूं तो मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि ये हम काम और कैसे कर सकते हैं, सर मैं कहीं पे ड्रोन पायलट बन सकता हूं क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे साथ होते हैं, और मैं उनको सिर्फ इस तरीके से, मैं खुद कर रहा हूँ अभी तो मैं बोल सकता हूँ, बट मैं श्योर नहीं कर सकता कि मैं अगला ड्रोन लूँगा कि नहीं, बट अगर कंपनीज इस तरीके से इस चीज़ को प्रमोट करेंगी तो आगे चल के हम और भी ड्रोन्स लेंगे और पायलट जनरेट करेंगे और उससे लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अभी मेरे साथ श्री आशीष जंगले जी, हेड प्रिसीजन फार्मिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मैं उनसे बोलूँगा कि वो दो शब्द आकर कुछ बोलें ड्रोन्स के बारे में। रिस्पेक्टेड डायस एंड माई डियर फ्रेंड्स, महिंद्रा ड्रोन्स के अंदर क्या कर रहा है वो मैं बताऊंगा। आई विल नॉट रिपीट व्हाट हैज ऑलरेडी बीइंग सेड। मैं दो चीज़ें बोलूंगा। दिस इज़ अ मैसिव अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट रूरल एम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण भाग से जितने लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं उद्योग ढूंढने के लिए, उन सब लोगों को ड्रोन के ज़रिए गांव के अंदर ही हाईटेक जॉब दिलाए जा सकते हैं। महिंद्रा इसके लिए उनके स्वराज और महिंद्रा डीलरशिप्स के थ्रू रेंटल एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई कर रहा है, उनको ट्रेन कर रहा है, और उनको एक पहले साल के लिए डिमांड जनरेशन कि आप इन किसानों के पास जाके सर्विसेज दीजिए, ये भी अश्योरिटी दे रहा है। इससे होगा क्या, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है कैपिटल की, वो ब्रेक इवन होने में उनको काफ़ी सहायता होगी, और एक साल भर उन्होंने ये ड्रोन स्प्रेइंग सर्विसेज कर दी अपने खेत में, अपने आजू बाजू के गांव के खेतों में, ब्रेक इवन आसानी से मिल जाएगा एंड दे विल बी एबल टू सस्टेन दैट बिजनेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैं और हैविंग सेड दिस, मैं एक डायस को एक अपील करना चाहता हूँ। ड्रोन एक माध्यम है टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड ये डिस्टर्ब कर देगा एग्रीकल्चर को इफ़ इट इज़ थॉट थ्रू वेरी वेल। और मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा जो काम महिंद्रा कर रहा है उस चीज़ से। गन्ने की खेती में 3 महीने के बाद कोई किसान जा नहीं सकता क्योंकि उसका प्लांटेशन काफ़ी डेंस होता है। इसके कारण शुगर केन को, गन्ने को एक्चुअली लेजी मैन्स क्रॉप भी कहा जाता है क्योंकि उसको बो दिया जाता है, पानी छोड़ते हैं और जब कटाई का टाइम आता है वो कट जाता है और मिल में पहुंचा दिया जाता है। बट इसके कारण क्या हो रहा है, भारत की शुगर रिकवरी नेशनल लेवल पे 10-11% है। ब्राज़ील
जग का सबसे अच्छा शुगर रिकवरी वाला देश, उसकी शुगर रिकवरी है 16-18%। हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से 0.1% शुगर रिकवरी अगर बढ़ जाती है एक मिल की, तो उस मिल को 1 करोड़ का मुनाफा ज़्यादा होता है। तो अगर 500 से ज़्यादा शुगर केन मिल इस देश में है और इनकी हम लोग मार्जिनली इंक्रीज करते हैं, लेट्स अज्यूम 1%, तो हम लोग नेशनल इनकम थ्रू शुगर केन कितना बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये सोचने के बाद हमने गन्ने के किसानों के साथ बात किया कि आपको क्या चैलेंजेस हैं। तो ऑब्वियसली ट्रैक्टर घुस नहीं सकता, हम घुस नहीं सकते, कपड़े फट जाते हैं, हमको खेत के बीच में क्या डिजीज़ है वो भी पता नहीं चलता है। तो हमने ड्रोन के माध्यम से, सेंसर्स के माध्यम से और सैटेलाइट के माध्यम से ये पूरा साल भर ट्रैक किया कौन से डिजीज़ेस खेतों में आते हैं। नाउ ये ट्रैक करने के बाद कौन से केमिकल्स देने चाहिए, ये इसका हमने एक प्रोटोकॉल बनाया और हमने देश के 7 मिल्स के साथ ये काम किया और ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है। हमने ये सब करते हुए यील्ड भी बढ़ाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, गन्ना कब कटना चाहिए इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है, ये प्लांटिंग डेट बेस्ड है विच इज़ नॉट वेरी साइंटिफिक एंड एक्यूरेट। तो जितना ग्रोइंग डिग्री डेज, जितना फैक्टर्स उस लोकल फार्म को इन्फ्लुएंस करता है, उसके ऊपर शुगर केन के अंदर शुगर रिकवरी, शुगर बढ़ता है और उसको अप्रोप्रिएट टाइम में हार्वेस्ट करने के बाद और मिल में पहुंचाने के बाद ही हाई शुगर रिकवर होता है। तो हमने ड्रोन के फ्लाइट्स के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके मिल्स को बताया है कि आप इन 7 दिनों में इस पार्सल का कटाई कीजिए तो इससे आपको अधिक से अधिक शुगर मिलेगा। इसकी एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा है। अभी शुगर रिकवरी जो मिल्स के लैब टेस्ट से हुआ है और हमने जो प्रेडिक्ट किया है उसका एक्यूरेसी 92% जितना एक्यूरेट हमको मिला है। सो ये काम हमने लास्ट 1 साल तक किया है। गन्ने के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ड्रोन्स, स्टार्टअप्स, किसान, एकेडमिया, गवर्नमेंट, ये सब मिलके नेशनल लेवल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट सच नेशनल लेवल एम्बिशियस प्रोग्राम्स। गन्ना एक उदाहरण है, आलू है, चाय है, देर आर न्यूमरस हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया विच कैन, जिनकी प्रोडक्टिविटी और यील्ड हम बढ़ा सकते हैं। भारत का नंबर प्रोडक्शन वाइज टॉप 5 कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट एवरी मेजर क्रॉप में है, प्रोडक्टिविटी वाइज हम लोग टॉप 5 में नहीं है। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू इंक्रीज नेशनल प्रोडक्टिविटी पर एकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर द इन्फॉर्मेशन कि आप इतना सब कर रहे हैं। और थोड़ा गन्ने के क्षेत्र से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ भी काफ़ी गन्ना उत्पादन होता है। और मैं बता दूँ कि सर ने जो बताया कि 30% उसमें जो शुगर की मात्रा है वो कम हो जाती है, और सभी शुगर मिल्स का ये कहना होता है वो बहुत ही कम रेट पे फिर गन्ना खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए किसान बोलते भी हैं। और उसका मेन रीज़न यही था कि हम छिड़काव नहीं कर पा रहे थे। और अभी सिर्फ मैंने, जब मैंने ड्रोन लिया था तो मैंने 1 एकड़ सिर्फ गन्ने के लिए डेडिकेट कर दिया था कि ये सिर्फ गन्ने पे मैं सिर्फ ड्रोन से छिड़काव करूँगा। तो उस समय क्या है कि मैं नर्मदा किनारे रहता हूँ, मैं तो वहाँ पे पीली मिट्टी है और पीली मिट्टी में उत्पादन उतना मिलता नहीं है गन्ने से। तो मैंने करीब 4 स्प्रे किए उस पर, और फिर उसके बाद हमें यूजली हम 350 क्विंटल तक निकालते थे पर एकड़। दिस टाइम मैंने जब उसको डेडिकेटेडली किया तो 496 क्विंटल मैंने दिस ईयर उसको अचीव किया। तो ड्रोन से, हम ड्रोन्स के स्प्रे से अभी तक, क्योंकि हमारे पास डेटा तो अवेलेबल है नहीं, तो ड्रोन्स के स्प्रे से अभी तक मेरे को ये समझ में है कि हम यील्ड तो बढ़ा सकते हैं और उसमें जो शुगर मात्रा है वो भी जब हमने चेक कराई थी तो दे आर बाइंग इट। तो हमको ये लगता है, जैसा कि आपने बताया सर, कि इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। और अब छोटे छोटे से सवाल हैं किसानों के जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं पहले मैम से पूछूँगा, शोमिता मैम से, कि मैम यूजली जब हम डेमोज करने जाते हैं तो
तो किसान का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम ये कितने में ख़रीद सकते हैं। तो जब हम उसकी कॉस्टिंग बोलते हैं तो थोड़ा सा किसान झिझक जाता है, क्योंकि यूजली स्प्रे पंप 12,000 के आते हैं, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई 25-30,000 रुपये में आ जाएगा। और जब हम उनको उसकी कॉस्टिंग लैक में बताते हैं तो दे आर लाइक कि भाई ये तो कोई मतलब ही नहीं है, इतने का स्प्रे तो हम पूरे साल में नहीं करेंगे, या पूरे अपने जीवन में 16 साल तो है ही हमारे पास, 16 साल में हम इतने का स्प्रे तो करेंगे नहीं। तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि इसकी कॉस्टिंग। और अभी तक सबसे बड़ा प्रमोटर जो रही है कोई भी इक्विपमेंट में, इंडिया में कोई भी इक्विपमेंट आता, सबसे बड़ा प्रमोटर रही है कि उस पर गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है कि नहीं। क्योंकि जैसे ही सब्सिडीज आती हैं तो एक बिलीव आ जाता है लोगों में कि हाँ ये गवर्नमेंट ये सही चीज़ है और ये गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है तो हमको लेना चाहिए। तो मैम उसके लिए आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे आप लोग उस पर काम कर रहे हैं। हाँ उसमें देखिए हमारा जो ये सब्सिडी का जो प्रोग्राम है सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, तो उसमें हमने एक तो जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है वो उसको ड्रोन खरीदी करने में दिक्कत है, तो इसीलिए हमने ये कस्टम हायरिंग सेंटर का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। वो इंस्टीट्यूशन कुछ तो ऑलरेडी हैं, सभी स्टेट्स में हैं, हाईटेक सेंटर्स भी हैं, और वो लोग दूसरे मशीनरी उनके पास हैं और उसकी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो लोग ड्रोन खरीद सकते हैं एज़ वन ऑफ द मशीनरी, और उसमें 40% सब्सिडी हम दे रहे हैं, उनकी वो कैपेसिटी है कि वो ख़रीद लें। और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है वो केवल पर एकड़ पर हेक्टेयर एरिया के हिसाब से उसको रेंटल चार्जेस केवल देने पड़ेंगे जब उसको जिस वक्त चाहिए उस हिसाब से। तो ये कस्टम हायरिंग सेंटर का उपयोग होना चाहिए ताकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को ड्रोन की सर्विसेज मिल पाए, ये ज़रूरी है। बट हाँ ये भी ज़रूरी है कि अभी स्टार्टअप्स जो ड्रोन्स बना रही हैं, स्पेशली जो स्प्रेइंग वाली ड्रोन्स हैं, वो कस्टम हायरिंग सेंटर्स के साथ उनको डेमोंस्ट्रेट करें कि आप ये लीजिए, या जो भी है स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो लोग काम करें ताकि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो लोग अपना एम्पैनलमेंट हो उन स्टार्टअप्स का, उन इंडस्ट्री के जो भी है वहाँ पे, और फाइनली जो ड्रोन्स हैं वो CHC तक पहुँचे। और डेमोंस्ट्रेशन होना चाहिए साथ ही साथ जी। कि जैसे हमने KVKs को पैसा जाएगा, इवन स्टार्टअप्स खुद भी डेमोंस्ट्रेट कर सकती हैं फार्मर्स फील्ड में, KVKs भी कर सकती हैं, सो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वो भी कर सकती हैं डेमोंस्ट्रेशन फार्मर्स के, कि ताकि फार्मर्स को उस टेक्नोलॉजी के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, वो हो जाए और इधर CHC भी तैयार हो जाए ड्रोन्स के साथ, तो हमारी ये समस्या का समाधान हो सकता है। थैंक यू मैम। मेरा सर RN साहू सर से एक छोटा सा सवाल है कि अभी तक सर जितना जब मैंने ड्रोन लिया था तो अभी तक इंडिया में ड्रोन्स के प्रति डेटा अवेलेबल है नहीं कि हमको कितनी मात्रा में इसको छिड़काव करना है, या और अभी जितनी भी अब सर चले गए कि पेस्टिसाइड कंपनीज जो हैं वो भी हमको कोई डेटा नहीं देती कि ड्रोन्स, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि 200 लीटर पानी में आपको इसको मिला के छिड़काव करना है, अगर आप उससे कम में डालोगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं रहेगी कि दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो किसानों तक हम डेमो देने तो जाते हैं, हम उनको प्रमोट भी कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए, हम सब मिलके करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि इसमें कितनी मात्रा में दवाई डालेंगे, तो अगर वो हमारे साथ गए हुए हैं तो हम इस चीज़ को कैसे उनको समझाएं, वो मेन बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है सर। तो हम उस चीज़ को कैसे समझाएं उनको कि नहीं ये टेक्नोलॉजी इस पर काम करेगी और ये आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और सही रिजल्ट देगी। एक तो मैडम पहले बताए थे कि हमने ऑलरेडी मंत्रालय तरफ से मैडम की गाइडेंस से एक SOP बनी हुई है, 2 टेक्निकल कमेटी बनी थी, एक SOP था कि पेस्टिसाइड स्प्रे कैसे करना है क्या करना है, और एक है न्यूट्रिएंट की था जो लिक्विड फर्टिलाइजर, तो उसी को
आप फॉलो करेंगे तो उसमें सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेड है एक। सेकंड है कि जो अभिषेक जी जो प्रैक्टिकली बेयर के साथ मिलके कई सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करते हैं, ऑल्सो आयोटेक वर्ल्ड भी बायोएफिकेसी और कई सारी चीज़ में काम किए, जितने ड्रोन स्प्रेयर है उसमें कितनी मात्रा में कौन सी कीड़े के लिए कितना डालना है उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज लुकअप टेबल बनी हुई है, तो ये बस पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम किसी को भी अवेल कर पाए और एडवाइस दे पाए। ये भी एक निवेदन होना चाहिए ये पैनल की कि ये जो भी SOP है, खाली एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रोन उड़ाने के लिए भी एक SOP है वो भी बनी हुई है वो, लेकिन पब्लिकली सिंपल लैंग्वेज में अवेलेबल होना चाहिए कि कब उड़ाना है, कितने हाइट में उड़ाना है, शुगर कैनी के लिए उतने हाइट में उड़ाना है कि चिकपी के लिए उतने हाइट में उड़ानी है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। देन पर्पस क्या है, किसी के लिए उड़ाना है, तो उसी हिसाब से उसको करना चाहिए और उसकी SOP भी बनी हुई है, विंड स्पीड कितना होना चाहिए, आप कोस्टल एरिया में होंगे तो उसके लिए कैसे करनी है, कोस्टल एरिया का विंड स्पीड काम नहीं करेगा क्योंकि जो हमारे थ्रेशोल्ड है वो कोस्टल में ऑलरेडी उससे ज़्यादा है, और आप हिली टेरेन में जाएंगे तो वहाँ पे भी ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी है। तो उसी के लिए वो जो स्टैंडर्ड SOP कॉमन मैन को अवेलेबल होने से ये सरल हो जाएगा। और एक चीज़ है कि सीइंग इज बिलीविंग, जो आप प्रैक्टिस करके सक्सेस स्टोरी दिखा है तो पड़ोस ऑल उसी हिसाब से करेगा, और उसी मंत्र के साथ मैडम ने जो अभी बताया है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी ये 300 ड्रोन्स ICR रिसर्च इंस्टीट्यूट्स KVK इसको मिला के और SAU इसको मिला के ये दिया जा रहा है टू मेक इट सीइंग इज बिलीविंग, ताकि वो देखेंगे और समझेंगे और KVK उनके लिए एक टेस्ट बेड होगा देखने के लिए, वो कन्विंस वही अवेयरनेस लानी है, वही उनको नॉट ओनली अवेयरनेस ऑल्सो एजुकेट करनी है ताकि ये अच्छी तरह से सबके पास जाए और उनके लिए ये लाभदायक हो, यही रहेगी। ओके, थैंक यू सर। सर अभिषेक सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब जब भी हम ड्रोन लेने जाते हैं तो क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे ड्रोन्स अवेलेबल हैं, कि सब कुछ तो घर पे ही मैन्युफैक्चर हो गए हैं, असेंबल कर लिए गए हैं, और उनका हार्डवेयर किस क्वालिटी का है, किस ग्रेड में है, किस तरीके से है, तो कभी कभी किसान जब भी लेने जाता है तो वो सस्ता देखता है, जैसा कि सर ने भी बोला आकर कि भाई हम अफोर्डेबल चीज़ ही देखेंगे, हम क्यों आप क्यों चलाएंगे। और हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार हम उनको अगर सजेस्ट भी करें तो वो सजेशन हमसे नहीं लेंगे क्योंकि जो भी अफोर्डेबल होगा हम उसको पहले लेके आएंगे। तो सर जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बाहर से बुलाना पड़ता है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो बाहर से आती हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा क्या चल रहा है कि हम यहीं पे बने और बहुत जल्दी हमारे तक पहुँच जाए। जहाँ तक ये डिफरेंट ड्रोन की आप बात कर रहे हैं जो कि अवेलेबल है मार्केट में एट डिफरेंट रेट्स, सो इन सभी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशन जो डिफाइन किया है, DGCA ने जो रेगुलेशन डिफाइन किया है, ताकि आप एज ए कस्टमर जब आप ख़रीदने जाते हैं कोई चीज़ आपको पता है कि ये वो जो इसका काम है इस सिस्टम का वो ये काम ज़रूर करेगी, इसीलिए वो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है। तो वो हो गया एक पहला क्या बोलते हैं जिससे आप ये कर सकते हैं कि अगर वो सिस्टम सर्टिफाइड है तो आपको पता है आपको परफॉर्मेंस जो आप पे कर रहे हैं उसको मिलना है आपको। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है इंडिया में, आज कम से कम जो मेजर सब सिस्टम्स हैं, सब सिस्टम मतलब उसमें जो जो कंपोनेंट लगते हैं ड्रोन के, मेरे ख्याल से आज 40-50% तक इंडिजिनस हो चुकी हैं चीज़ें, क्योंकि अभी ये इंडिया में ये जो ड्रोन रिवोल्यूशन आया है मेरे ख्याल से लास्ट एक साल है मैडम की वजह, मैडम इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, लेकिन उससे पहले ये डिमांड का बहुत इशू था, राइट। सो इसलिए इंडस्ट्री जो सब सिस्टम जो बनाते हैं वो लोग भी, उनको इतना बिजनेस दिख नहीं रहा था कि हम कैसे इन्वेस्ट करें ताकि ये सब कॉम्पोनेंट इंडिया में बनाया जाए, बट आज ये सिनेरियो बहुत बदल गया है, आज डिमांड दिख रहा है और आप अगर देखिएगा बहुत सारी कंपनीज़ इंडिया में आ रही हैं जो कि अब वो सब कंपोनेंट्स जो पहले हम लोग सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, आज भी हो सकता है 95% हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट हो उस कंपोनेंट्स के बारे में, बट आज से
छः महीने से एक साल के अंदर आप देखिए कि वो सब मेजर कंपोनेंट्स भी इंडिया में अब बन रहे हैं. सो उससे क्या होगा, ये इंडिजिनस कंपोनेंट जब बढ़ेंगे तो ये सब सारे आइटम्स जब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ इंडिया में होगी तो उसके सप्लाई चेन डिपेंडेंस ये सब सब कुछ काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा और आपको बेटर सिस्टम मिल पाएगा. थैंक यू सर. सर मेरा सवाल सर दीपक भारद्वाज जी से है कि सर अभी जो बैटरीज है और जो कॉस्टिंग है बैटरीज़ की वो काफ़ी ज़्यादा है जो कि फार्मर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. उसका फ्यूल बैटरी सेम है सर, वो कैसे आगे चल के और इम्प्रूव हो सकता है क्योंकि अभी ड्रोन का फ्लाइट टाइम ऑलमोस्ट 10 लीटर में 20 मिनट्स ही मिल पा रहा है, तो वो आगे चल के कुछ ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए मैं इसको कोरिलेट करूँगा व्हीकल से, ऑटोमोबाइल से. पेट्रोल का जो दाम है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि एक लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी कितनी चले. तो हम एग्जैक्टली उसी लाइन पे काम कर रहे हैं. लिथियम आयन के जो सेल्स हैं वो इंडिया में नहीं बनते हैं, इम्पोर्टेड है एंड ये सबको पता ही है. मगर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अभी लिथियम पॉलीमर सेल्स अभी आपके 150 से 200 साइकिल या मैक्सिमम 250 साइकिल चलते हैं, उसकी जगह जो हम दूसरी बैटरीज लेके आ रहे हैं जो कि डेवलप करी हैं हमने करीबन एक साल में, वो आपको मिनिमम 700 से 1000 साइकिल की लाइफ दे. तो उससे होगा क्या कि अगर आप पर एकड़ अपनी स्प्रे की जो कॉस्ट देखते हैं उसके अंदर आपको अप टू 1/5 हो जाती है बैटरी की कॉस्ट. यस. और दूसरा आपने पूछा कि जो फ्लाइंग टाइम है उसको कैसे बढ़ाया जाए. उसको बढ़ाने के लिए हम डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं. तो ड्रोन फ्रेम के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं और ड्रोन के वेट पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. आप ये मान के चलिए 80% हमारा कंसंट्रेशन वही है. और वज़न कम होने से होगा क्या कि आपको ऑटोमेटिकली फ़्लाइट टाइम जो है इफ़ नॉट मोर मतलब 10-20% एक्स्ट्रा मिलेगा. दूसरी चीज़, अभी थोड़ी सी हमारी रिसर्च चल रही है जेनसेट बेस्ड ड्रोन्स पे. तो जेनसेट में अभी प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो फ्लू गैसेज हैं वो जो स्प्रे होता है उसके साथ मिक्स होके उसके सरफेस पे आ जाती हैं, तो उससे बायोएफिकेसी में इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं. उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे उसको हम लोग उससे सेपरेट कर पाएँ कम्प्लीटली. जिस दिन हम उसमें कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम आपको जेनसेट बेस्ड ड्रोन्स भी देंगे ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट में, और उससे आपका जो इशू है कि भाई एक बैटरी से 2-3 एकड़ हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक रिजोल्व होगा. क्यों, एक बार आप अगर उस जेनसेट को फिल करेंगे तो आप बेयर मिनिमम 10 एकड़ उसे कर पाएंगे. बट इट इज़ सब्जेक्टेड टू रिसर्च बेसिकली विच इज़ गोइंग ऑन. थैंक यू सर. और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं यहाँ सारा कुछ कंक्लूड करूँगा. सर लोगों ने बहुत बहुत अच्छा बताया हम सभी को, और आगे चल के मैं इसको और भी लोगों तक पहुंचाऊंगा. मैं ये वादा करता हूं आप सभी से. आप यहां पर बैठे हुए हैं, हमको ये अपॉर्चुनिटी दी और आपसे हम सवाल कर पाए, और हमारे छोटे छोटे सवाल थे आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. थैंक यू मैम. भक्तराज जी से निवेदन है कि कृपया हमारे जो डिग्निटरीज ऑन द डैस हैं उनका सम्मान करें, उन्हें मेमेंटो देके. ड्रोन का ये स्मृति चिन्ह जो दिया जा रहा है हमारे ऑनरेबल चेयर को और सभी पैनलिस्ट जो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपना अपना वक्तव्य दिया, और भक्तराज जी ने अपनी जितनी भी क्यूरोसिटी है सवाल है वो पूछे और उनके जवाब पाए. अब इन्हीं सोच के बीजों को बिखराएंगे अपने गांव में, गांव के आसपास. और अब भक्तराज जी को भी प्रदान करें, आपको स्वयं को भी आज की याददाश्त के लिए, आज की स्मृति के लिए. I'm sorry.
बायर क्रॉप की तरफ से को भी प्रदान करें। यहाँ पर उनके बिहाफ पर आई हुई हैं रिप्रेजेंटेटिव भक्तराज जी, इनके इन्हें भी प्रदान करें। और भक्तराज जी को भी दिया आपने अपनी तरफ से। भक्तराज जी आपको मिला, आप भी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। कल हम फिर से इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर दूसरे दिन के सेशन के लिए। 10 बजे सेशन शुरू होगा लेकिन हम सब यहाँ पर 9 बजे इकट्ठा हो जाएंगे। आप कल पूरे उत्साह और उमंग के साथ में, ऊर्जा के साथ यहाँ आइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।